हेलो दोस्तों, बॉलीवुड नजर टॉप 10 में आज हम बात करेंगे पठान के किरदार को लेकर शाहरुख खान की सोच के बारे में। बताएंगे आपको KGF चैप्टर 3 से जुड़ा चौंका देने वाला अपडेट और ऐसी ही बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू कर दें आज का बॉलीवुड नजर टॉप 10 शो। YRF की रिसेंट वीडियो में शाहरुख खान ने फिल्म पठान में अपने किरदार को लेकर कहा कि पठान एक सीधा साधा लड़का है, बहुत सारी कठिन चीजें करता है। मुझे लगता है कि वो शरारती है, वो टफ है, लेकिन वो इसका दिखावा नहीं करता है। वो भरोसेमंद है, वो ईमानदार है। मुझे लगता है कि वो पूरी तरह से भारत को अपनी माँ के रूप में देखता है। रिसेंट स्पॉटेड वीडियो में सीढ़ियों पर एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो मुंह के बल गिरने से बचती हैं, जिसका गुस्सा वो पेपराजीज पर कुछ इस तरह से निकालती हैं। एक इंटरव्यू में एक्टर अभय देओल ने कहा कि अनुराग कश्यप की फिल्म देवडी करने के बाद तो मैं फेमस तो हो गया था, लेकिन रियल लाइफ में उस किरदार से बाहर नहीं आ पा रहा था। मैं हर रोज पागलों की तरह दारू पीता था, लेकिन फिर मैंने खुद को झटका दिया और बस इस किरदार से बाहर निकला है। हालिया इंटरव्यू में शाहरुख खान ने कहा कि मैं 32 साल पहले फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्शन हीरो बनने आया था, लेकिन मैं नहीं बन पाया क्योंकि उन्होंने मुझे एक रोमांटिक हीरो बना दिया। मैं सिर्फ एक्शन हीरो ही बनना चाहता था और पठान करना मेरे सपने को साकार करने जैसा है। कृति सेनन और प्रभास की फिल्म आदि पुरुष 16 जून को रिलीज होने वाली है, जिसकी जानकारी देते हुए ओम राउत ने कहा, राम कार्य करने के लिए हम सदैव तत्पर हैं। आपको बता दें कि टीजर में फिल्म के VFX के काफी ट्रोल होने पर प्रोडक्शन टीम अभी VFX पर काम कर रही है। फिल्म क्रिटिक तरुण आदर्श ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करके बताया कि यशराज फिल्म्स पठान की एडवांस बुकिंग 20 जनवरी से शुरू करने वाली है। जी हां, शाहरुख के इस पैन इंडिया फिल्म को तमिल, तेलुगु और हिंदी में रिलीज किया जाएगा। अजय देवगन ने अपनी फिल्म भोला से तब्बू के किरदार का फर्स्ट लुक शेयर किया है। फिल्म में IPS पुलिस ऑफिसर बनी तब्बू का लुक काफी कमाल का दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक रॉकिंग स्टार यश KGF फ्रेंचाइजी से ब्रेक लेना चाहते हैं और वो अब KGF चैप्टर 3 में काम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन यश नहीं चाहते कि उन्हें सिर्फ KGF की वजह से पहचाना जाए। खबरों के मुताबिक सुनील शेट्टी की लाडली आथिया शेट्टी और क्रिकेटर KL राहुल 23 जनवरी के दिन शादी करने वाले हैं और इसी बीच KL राहुल के घर की कुछ फोटोज वायरल हो रही हैं, जिसमें क्रिकेटर के घर को लाइट से दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। एक इंटरव्यू में प्रभास के साथ अपनी फिल्म सालार के बारे में बात करते हुए श्रुति हसन ने कहा है कि सालार एक अच्छी एनर्जी वाली नो नॉनसेंस फिल्म है और मैं काफी खुश हूं कि मैं प्रशांत नील के साथ इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हूं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आते देखते रहिए बॉलीवुड नजर।